गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहरा और मैं हूँ जुबैर शारख जुबैर कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसे अलहमद अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब लोग कैसे हैं कैसा आपका दिन गुजर रहा है कैसे आपके शब रोज़ गुजर रहे हैं और कैसा टाइम गुजर रहा है आपका वो कहा जाता है ना अक्सर कि आजकल मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है कुछ लोग ये कह रहे होते हैं जी मेरा तो बहुत ही बुरा टाइम गुजर रहा है तो सुबह आप बताएं कि आप आजकल अच्छे टाइम वाले में पीरियड में चल रहे हैं या बुरे टाइम पीरियड में चल रहे हैं क्या आपकी जिंदगी कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है कुछ दरमियाने पीरियड में चल रहा हूँ ना अच्छा चल रहा है ना बुरा चल रहा है लेकिन ये जिंदगी का हिस्सा है अच्छा बुरा टाइम हर एक इंसान पे आता है अच्छा वक्त भी तो आता है बुरा वक्त भी आता है इंसान उروج भी देखता है इंसान ज़वाल भी देखता है बिल्कुल और जब बुरा वक्त आ जाता है तो उस वक्त अक्सर اوقات हम थोड़ा घबरा जाते हैं और बिल्कुल ही हिम्मत हार जाते हैं तो ऐसा नहीं करना आपने अगर कोई बुरा वक्त आ जाता है तो अच्छा वक्त भी आएगा उस टाइम में आपने हिम्मत और हौसले से काम लेना है, हाँ, बुरा बुरा है, 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 है वाजे कर देता है बहुत सो बहुत आपको अच्छाई और बुराई का जो डिफरेंस है वो पता चल जाता है जो लोग आपके साथ मुखलिस हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लोग वो लोग थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ दिया सो यही लोग हैं जो मेरे असल में अपने हैं बिल्कुल so, लोगों को पहचानना सीखिए और हिम्मत हौसल और साथ मैं यहाँ ये यह बात ऐड करूंगा जरूर कि बुरे वक्त में के अंदर भी ना आपको पॉजिटिव चीज निकालनी चाहिए और पॉजिटिव पॉजिटिव चीज यही है कि बुरा वक्त एक आईने की तरह होता है जिस तरह ताहरा ने भी बात की इस पर बुरे वक्त के अंदर वाजिया हो जाता है ये कि कौन आपके साथ था कौन आपके साथ नहीं तो फिर आपके पास चॉइस होती है कि आप फिल्टर कर दें लोगों को अपनी जिंदगी निकाल थीक थीक बुरे लोगों को बुराई को आप फिल्टर कर दें आपके पास ऑप्शंस आ जाती है ऊपर वाला आपको ऑप्शंस दे देता है कि कौन मेरा सज्जन है और कौन मेरा सज्जन नहीं है तो बुरे वक्त की खास बात है ऐसी तो इसके इस इस अंदर से चलेंगे? भी हमें एक पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए और इसी बात पे चलेंगे हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ आज के अखबार तो पहली खबर क्या है जुबैर आज आपके पास पहली खबर हमारे पास है बारिश पहली खबर है हमारे पास गर्मी पहली खबर है हमारे पास मौसम हम जो खबर डेली डेली बेसिस अच्छी खबर सुनाने जा रहे हैं आप या फिर कुछ गर्मी की नवीज खबर तो ये देना चाह रहा हूँ जिस तरह कल परसों के टाइम पे बारिश बहुत मूसलाधार हुई बहुत तेज बारिश हुई लेकिन बारिश के बाद जो ताहरा मौसम एक वाला हो गया बारिश के बाद जो सफोकेशन वाला माहौल हो गया वो बहुत ज्यादा ही इरिटेटिंग होता है वो जिसे कहते हैं जिस जी कहते हैं चिपचिपा सा मौसम कि आप हप हो गया ना कि हवाई खत्म हो गई बिल्कुल एटमोसफेयर के अंदर आपको ऑक्सीजन आपको सांस लेने में दुशारी हो रही है इस तरह का मौसम हो गया तो हम ये कहते हैं पहले हम ये ज़रूर ख्वाहिश करते हैं जब गर्मी की चीज़ बढ़ी हो कि बारिश हो जाए बारिश हो जाए लेकिन हम जब बारिश हो जाती है फिर उसके बाद जब ये मौसम आता है तो फिर एक और इंसान कैफेट में चला जाता है जिस तरह से हम अपने प्लेटफॉर्म पर डेली ये कहते हैं कि बारिश ज़रूर हो लेकिन वो तो जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वो अपना ज्यादा ख्याल बिल्कुल तो इसी हिसाब से मौसम के हवाले से हमारे पास खबर ये है कि लाहौर मानसून बारिशें गरज चमक के साथ बारिशों का इमकान है बारिशों का इम्कान तो है इन फ्यूचर लेकिन बारिश के बाद जिस तरह मैंने आपको कहा के हफ्स होने के खदेश हो जाते हैं ह्यूमिडिटी होने के खदात हो जाते हैं तो ये चीजें ना हों बाकी बारिशें हों और बारिशों के बाद हवा चले ताकि एक मौसम खुशगवार रहे यही हमारी ख्वाहिश है और यही हम दुआ करते हैं लेकिन सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती पूरी बिल्कुल नहीं तो जो होती। भी अवेलेबल होता है उसमें आपने खुश भी रहना है 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 अंदर एडजस्ट होना पड़ता पड़ता और अपना ख्याल करना अगली खबर क्या है हमारे और पास और इसके बाद हम शेयर करेंगे जैसे मौसम की बात हो रही है बारिश की बात हो रही है तो बारिश के बाद जो फिर निकासी आपकी सिचुएशन होती है आप देखते हैं गली मोहल्लों में बहुत जरा पानी भी खड़ा हो जाता है सो इस हवाले से जो हमारी मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं पाकिस्तान की पहली खातून चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्होंने जी बारिश के बाद सड़कों और गली मोहल्लों का हंगामी दौरा किया और इस, इसके साथ जो निकासी आपका खुद मुआना किया और पंजाब सीरीज अथॉरिटी के जात के, के थ्रू देख देखा जाए ये उनका कहना था इस हवाले से उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी पास किए कि आप चेक करें सफाई मुहम का खास ख्याल रखें ताकि शहरी इस हवाले से उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े कि बारिश के बाद फिर आप देखते हैं कि पानी जगह जगह खड़ा होता है और आपको घर से निकलने में खासी दुशारी का सामना करना पड़ता है सो इस हवाले से जी इंतजामिया से हर आधे घंटे के बाद सूरत हाल की मोनिटरिंग के की जाए और उसकी रिपोर्ट जो है वो सी एम ने खुद तला की है। अच्छा जो भी जहां पर भी पानी इकट्ठा होता है उसको टेक्नोलॉजी के साथ सेफ सिटी कैमराज के साथ जैसे हमने ईद की सफाई का ऑपरेशन मॉनिटर किया था इसी तरह सेफ सिटी कैमराज को कहीं फॉरन हाईलाइट करें कहां कहीं अगर पानी खड़ा हो लोगों को डिफिकल्टी आ रही है तो ठीक है और मुझे आ, हर आधे घंटे बाद रिपोर्ट करें और उसके साथ साथ हम अपनी अगली खबर पर चलते हैं पंजाब सेफ सीरीज़ अथॉरिटी जो कि ट्वेंटी फोर बाई सेवन इस कोशिशों और इस काविशों में लगी रहती है कि आप लोगों को तहफ़ फराह किया जाए आप लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए हर हवाले से कोई आपकी चीज़ गुम गई है कोई किसी किस्म की ज्यादती हो गई है तो आपको उसका जल्द से जल्द अजाला उस ज़्यादती का हो जाए तो इसी हवाले से मैं आपसे एक रिपोर्ट शेयर करता चलूँ कि सेफ़ सिटी सेंटर से गाड़ी चोरी की कॉल पर फौरी का

से आपने इमीटली वन फाइव पे इतला देनी है और कहीं कोई को कोई भी चीज आपको मिलती है जैसे यहां पे ये हुआ कि जो रिपोर्ट अभी जुबैर शेयर करे थे कि एक तरफ हमें कॉल मौसूल हुई कि गाड़ी गुम गई है जिस जिस पर्सन की गाड़ी खोई है गुम गई और दूसरे वाले से एक और कॉल मौसूल हुई कि जी एक एक लावारिस गाड़ी कहीं पर मौजूद है तो सेफ सीरी चूँकि सेंट्रलाइज सिस्टम है पंजाब भर से यहाँ कॉल्स मौसूल होती हैं सो तो ये लाहौर की दोनों कॉल्स को आपस में कंपेयर किया गया भाई सेम नंबर प्लेट की गाड़ी खोई थी और वही गाड़ी कहीं और मौजूद है इस तरह से शहरी को वो गाड़ी रिटर्न की गई सो so ये एक उनकी जो जो दुआएं थी हमें मिली तो बहुत अच्छा और लगा मैं इसकी और मैं इसकी मजीद और डिटेलिंग बताता चलूँ कि के इलाके से शहरी ने वन फाइफ इमरजेंसी हेल्पलाइन पर गाड़ी चोरी की इतला दी थी और उसके बाद बर वक्त कार्रवाई करते हुए सी कैमरों की मदद से वो गाड़ी मालकान तक पहुँचा दी गई है और मालकान का खुशी का ठिकाना कोई नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी हलाल की कमाई थी हलाल की कमाई से चीज़ जो भी ख़रीदता है मेहनत मजदूरी करके जो भी ख़रीदता है वो चीज़ अगर इस तरह से एवं आ, कोई चुरा ले जाए एक एक शख्स जिसकी चोरी की नीयत हो और वो चुरा उसको ले जाए तो बहुत अफसोस होता है इंसान बहुत ही एक रंज के आलम में चला जाता है तो उन्होंने ढेरों दुआएं दी हैं सेफ सिटी आ, में काम करने वाले लोगों को और पंजाब पुलिस को भी अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ये गाड़ी उन तक पहुँचा दी और जैसे जबैर जिक्र करें वन फाइव कॉल की अहमियत के हवाले से कि कितनी इंपॉर्टेंट है क्या आप वन फाइव पर कॉल करें और कॉल की बदौलत ही ऐसा हुआ कि गाड़ी मिल गई सो यहाँ पे एक और चीज़ भी बड़ी मुझे अफसोस तो उसके साथ ये कहना पड़ेगा कि हम वन फाइव का जो गैर जरूरी इस्तेमाल करते हैं और इस पर जो हॉक्स कॉल करते हैं उसका सिलसिला जारी है आपसे इस हवाले से हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के तवस्त से कि वन फाइव की अहमियत को समझें एक एमरजेंसी हेल्पलाइन है इसको सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल करें सो एक और कॉल भी यहाँ मौसू हुई इस्लामाबाद के एरिया में तो मैंने सोचा कि आप ये आपसे ज़रूर शेयर करूँ इस्लाबाद के एरिया में हाँ और कॉलर ने यह कहा कि जी तरबूज का सुरख नहीं निकला सो वो कॉल करें जी पुलिस को भिजवाया जाए अब आप यहाँ पे यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारी किस कदर हमारा जो बिहेवियर है क्या कहा जाए उसको हमारी आवाम की संजीदगी का अंदाजा लगा लें आप के पे करके वो ये कह रहा है तो हम अपने प्लेटफॉर्म से डेली बेसिस पे रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि गैर संजीदा गैर जरूरी कॉल वन फाइव पे ना करें क्योंकि इससे किसी दूसरे इंसान की हक तलफी होती है होती है इसको जरूरत होती है कॉल कर रहा होता है पुलिस अटेंड नहीं कर पाएगी तो मौके पर उसकी मदद नहीं हो सकेगी जल्दी नहीं हो सकेगी और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ और ये ताहिरा भी इस चीज़ की आ, को इंडोज करेंगी कि जब इंसान एमरजेंसी में होता है तो एक एक लम्हा उसके लिए बड़ा कीमती होता है तो आप लोगों ने ख्याल करना है क्योंकि वो लम्हा आपके ऊपर भी कभी आ सकता है और कोई उस वक्त गैर संजीदा कॉल कर रहा हो वन पे और अंगेज हो वन फाइव की लाइन तो फिर आपको भी नुकसान पहुंच सकता है कुछ भी इंसान ने करना होना तो ये सोच ले कि कल को अगर वक्त हमारे पे आएगा तो हम कैसे डील करेंगे यहाँ तो हर एक को अपनी अपनी होती है ना लेकिन महजिम माशरों के अंदर लोग ये सोचते हैं कि अगर उसके साथ हो रहा है तो अगर गलत हो रहा है तो कल को मेरे साथ भी हो सकता है तो मुझे इसको डिफेंड करना है और इसको गलत कहना है सपोर्ट करना so है तो आपने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत, सबूत देना सबूत है देना इसी बात पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक आपने रहना हमारे साथ और फिर चलेंगे अच्छे से एक बड़े जबरदस्त सेगमेंट के जाने में वेलकम बैक नाजरीन गुड मॉर्निंग सिटी में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन हमारे जिसम के जितने भी अज़ा हैं वो अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत हैं अगर वो दुरुस्त हैं ठीक हैं अल्लाह ने अगर मुकम्मल पैदा किया है दोनों हाथ दिए हैं दो कान दिए हैं आंखें दिए हैं पूरा वजूद दिया है और अगर वो पूरा वजूद आपका ठीक है तो इससे बड़ी नेमत और कुछ नहीं हो सकती तो इन नेमतों के अंदर से सबसे बेहतरीन नेमत नेमत तो अल्लाह की दी हुई सारी बेहतरीन है लेकिन हम जिस नेमत और जिस ऑर्गन के बारे में इस सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं वो है आंखें आंखें इसमें कोई शक नहीं है अल्लाह की दी गई बेहतरीन नेमत है जिसे हम सारी दुनिया देख सकते हैं अल्लाह की बनाई हुई क्रिएशन देख सकते हैं खूबसूरती देख सकते हैं लेकिन इन आंखों की हिफाजत कैसे की जाए किस तरह से इन आंखों को आप सही तरीके से एक टाइम पीरियड तक निकाल सकते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को मोती के मिसाइल हो जाते हैं सफ़ेद मोती या काला मोतिया छोटी उम्र आयसे वीक हो जाती है तो आज इसी बारे हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद कमाल सदीकी साहब भी आई सर्जन है और उसके साथ साथ प्रिंसिपल भी हैं रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तो उस सर को खुश आमदी कहते हैं अपने प्रोग्राम में और सर से बातचीत करते हैं और आपका दोनों का शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपने आ, मैं तो खुद बड़ा इंप्रेस हूँ जितनी मालूम आपने वन फाइव और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के लिहाज से दी हैं मुझे ख़ुद भी इतना नहीं मालूम थी और मैं समझ रहा हूँ ये तो बड़ी काम की चीज़ है और वी आर ग्रेटफुल टू पंजाब गवर्नमेंट की इतनी अच्छी सर्विस हमारे लिए बनाई है अलबा मैं एक करना चाहूँगा कि शुरू में जो आपने एक वो बारिश का पानी और उसकी निकासी का कहा गवर्नमेंट तो जाहिर करेगी वासा का डिपार्टमेंट है इसके लिए लेकिन कुछ शहरीों की भी जिम्मेदारी और वो हमारा एक मेडिकल uh, कॉलेज में हम अपने स्टूडेंट्स को जो डॉक्टर बन रहे हैं उन्हें भी सिखाते हैं दैट इज़ पब्लिक हेल्थ तो पब्लिक हेल्थ के रेफरेंस में एक चीज़ आती है जिसका हमें खुद ख्याल करना है वो है आजकल जो प्लास्टिक के शॉपर बैग यूज़ होते हैं तो ये बहुत बड़ा तूफ़ान है अगर आप किसी भी ड्रेन जो बरसाती नाले हैं उनको देखें उसमें ऊपर मैक्सिमम मेरा ख्याल फिफ्टी परसेंट जो लोड है ये इनका होता है और ये चोक कर देते हैं और जब ये दरियाओं में जाते हैं तो वहाँ जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको भी ख़राब करते तो मेरी रिक्वेस्ट आवाम से है तो कम से कम इस्तेमाल करते हैं और मुझे याद है कि हमारी आंटियाँ और पेरेंट्स जब बचपन में हमारे शॉपिंग के लिए जाते थे एक उनके पास वो टोकरी होती थी जिसमें वो सौदा डाल के लाते थे वो ग्रेजुअली होते, होते होते वो निकल गई लेकिन अब जो महज मुआशे वो वापस उस पर आ रहे हैं और वो रीयूज़ल बैग्स के ऊपर जा रहे हैं तो मेरी आवाम से यह गुजारिश है कि काइंडली ये जो एक तो ना कि शॉप पर फिर लेते हैं हम क्या कहते हैं शॉप पर डबल कर दो <laughs> वो डबल करके तो वो डबल तूफान है और वो बड़ी घटिया क्वालिटी के हैं जो कि अगले कई मिलियन ईयर्स तक ये ख़त्म नहीं होने वाले जहाँ भी जाएंगे इस दरिया समंदर में ये नुकसान ही नुकसान है दूसरे ज़ुबैर ने बड़ा अच्छा तारुफ़ कराया आँखों के बारे में कहा तो मैं हमारे कौमी शायर जो हैं हज़रतल मोहम्मद इकबाल रहा का एक शेर भी इसी चीज़ की अक्सी करता है जी जी। आपने फरमाया कि मुबतलाए दर्द कोई उज हो रोती है आँख किस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती है आँख तो तो बहुत बहुत आपने बुलाया मुझे सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जैसे अभी आंखों का जिक्र हो रहा है कि कितना अहम जो है हमारी बॉडी का हिस्सा है तो इसकी इसका हम ख्याल कैसे रखें इसकी सेहत का ख्याल रखा कैसा जाए बहुत ही बुनियादी सवाल और बहुत ही जरूरी सवाल है इस पर रोशनी डालिएगा हाँ जी देखिए आँखों की सेहत की हिफाजत के लिए ज़रूरी यह है कि इनका एक तो गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना किया जिस तरह आजकल हर वक्त ये स्क्रीनों पर हमें मोबाइल से हटे तो टीवी टीवी से हटे तो कंप्यूटर सो ऑल द टाइम एक मेरे दोस्त अभी तो बता रहे थे वो बड़े बिज़ी हैं वैसे कह नहीं लेकिन मैंने एक दिन कैलकुलेट किया अपना टाइम तो छः घंटे स्क्रीन टाइम सिर्फ मोबाइल का निकल रहा था तो आप इमेजिन करें कि अगर चौबीस घंटे में से छः घंटे या आठ घंटे हम इस स्क्रीन पे दे देंगे और इनमें प्रोफेशनल यूज़ या काम की चीज़ अगर कैलकुलेट करें तो परेप्स ट्वेंटी परसेंट होती है एट्टी परसेंट ऐसी चीज़ है जो कि आप समझें रेक्रिएशनल यूज़ है लेकिन वो रेक्रिएशन भी क्या है कि जिसमें हमारा लोड इतना आँखों पर आ जाए कि जब कोई काम की ज़रूरत हो तो वो फिर जवाब दे दें दे दे। और वो आँखों में मुख्तिक परेशानियाँ और अलाम ज़ाहिर होनी शुरू हो जाए तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम कौम के हिसाब से एक बहुत लाजवाब कौम है लेकिन हम जिस काम के भी पीछे पड़ते हैं ना उसको अब इस पाकिस्तान दुनिया में पर फोन यूज करने में तो आप समझेंगे एक एक बंदे के पास चार चार फोन है सर इसके अंदर एक आंखों की जहाँ बात की जाए जिनकी नज़र खराब होती है तो सर नज़र खराब होने की वजह से लोग लेजर ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं लेजर ट्रीटमेंट कुछ औकात साबित होते हैं कुछ नंबर्स पे कुछ नंबर्स पे फायदेमंद साबित नहीं होते और सर ये ज़रा नाजिन को बताएं कि दो नंबर्स होते हैं पॉजिटिव आई साइड होती है कुछ लोगों की कुछ लोगों की नेगेटिव होती है दूर का नंबर करीब का नंबर तो सर लेज़र ट्रीटमेंट किन किन नंबर्स तक अफेक्टिव है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में और सर उसके साथ साथ किस उम्र तक अगर कोई करवाना चाहे तो उसको करवा सकता है जी शुक्रिया आज के लिए बहुत एक जिसको कहते हैं इन है ये सब्जेक्ट तो एक रेंज है आमतौर पे हम अपनी प्रैक्टिस में लेट टीन्स यानी सत्रह अठारह साल से लेके और लेट फोर्टीज या मे बी अर्ली फिफ्टीज़ इस रेंज पे हम करते हैं और इसमें कॉर्निया की ट्रीटमेंट होती है जिसमें कॉर्निया को इस तरह लेयर उठा के और लेज़र करके उसको वापस रख देते हैं या दूसरी तरीक़े भी हैं उसके और उसमें आमतौर पे 99 परसेंट सक्सेस रेट है बट हैविंग सेड दैट वन परसेंट का तो एक रिस्क है ना वो ज़ाहिर है जिसको शौक है एनक उतरवाने का बिकॉज दिस इज़ ए कॉस्मेटिक प्रोसीजर ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हॉस्पिटल्स में ये सहूलत दस्याब नहीं है ये प्राइवेट ही करानी पड़ती है अलबतः कॉनकेव जिनको ज़रूरत है लेंस की यानी कि माओपिया शॉर्ट सर्टिड उनमें बहुत कामयाब है जो हाइपर मेट्रोप हैं जिनको प्लस के नंबर की ज़रूरत होती है उनमें भी है लेकिन कम नंबरों में दो ढाई तीन चार नंबर तक ये फ़ायदेमंद है सही। तो बाज़ लोग ऐसे हैं जिनका मसलन प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें वो ग्लासेस नहीं कर सकते किसी भी तरह अभी मेरे पास खातून आई थी जिनके बच्चे छोटे थे वो दो तीन चार इस तरह एक एक साल के वक्फे से बच्चे थे वो कहती मैं एनक उनका माइनस सेवन था वो कहती मैं जैसे ही बच्चे की नैपी बदलने जाती हूँ मेरी एनक ही लेती तो मुझे नज़र ही नहीं आता कि ज़रा बच्चा तो वो उस तरह की एक रिक्वायरमेंट बन जाती है अलहमद वो हमारे पास अब इतनी अच्छी अवेलेबल हैं सर्विसज़ के उसमें अच्छा रिज़ल्ट आता लेकिन ये है लेकिन यह है कि बेहतर ये है कि ख़ास बच्चों का हम अर्ली एज में चेकअप करें और ये बेस्ट टाइम होता है चार साल जब वो प्री स्कूल जाता है तो एक दफ़ा हम जैसे बाहर के मुल्कों में ऐसे होता है कि प्री स्कूल में एंट्री पे वो चेक होता है और एवरी ईयर वो उनका फिर एक चेक होता रहता है उसमें ये स्क्रीन हो जाते हैं कि तकरीबन अब जो ये स्क्रीन यूज़ की वजह से थर्टी परसेंट लोग हैं ऐसे जिनको एनक की ज़रूरत होती है सर अभी आप बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से तो एक आम तसुर पाया जाता है कि बच्चे की अगर आई आईसेड वीक हो भी गई है थोड़ा छोटा नंबर है तो भाई एनक ना लगवाएं अगर एनक लगवा दी तो फिर ये जी नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा इसमें क्लैरिटी क्या है इस हवाले से नाजिन को गाइड ज़रूर करें कि ये क्या गलत है बात आपको लगानी चाहिए अ, अ, मतलब एनक और इसके क्या नुकसान हैं ना लगाने के जी एनक बिल्कुल लगानी चाहिए अगर उसको जरूरत है क्योंकि बच्चे की ग्रोथ मेंटल और फिज़िकल रुक जाती है क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चे लेट एनक लगाते हैं जैसे शॉर्ट साइटेड हैं उन्हें दूर का नज़र ही नहीं आ रहा तो वो फिर बाहर जाना अवॉइड कर हैं ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते जी फिर वो आमतौर पे ना घरों में घर में बैठ के वो या पढ़ते रहते हैं या मोबाइल या वो नियर वर्क ये इसी पर लग जाते हैं तो वो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ कम हो जाती है क्योंकि वो फ़ुटबॉल क्रिकेट कुछ भी नहीं खेलते उन्हें फुटबॉल क्रिकेट की बॉल ही नहीं नज़र आई तो एक्चुअली मुझे ख़ुद भी जब ये आइडेंटिफाई हुआ माईओपी शॉर्ट सर्टेड वो मुझे क्रिकेट का ही मुझे बाउंसर जब नाक पे लगा ना वो कहता यार गेंद ही नहीं नजर आई <laughs> तो वो फिर मैंने चेक कराया तो मुझे पता चला कि ये ऐसे था तो लेकिन यह कि बच्चों में ख़ासतौर पर मैं एक और बात कहूँगा कि बच्चों में चेकअप इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर एक आँख की नज़र और दूसरी आँख की पावर में फ़र्क है यानी एक तरफ अगर माइनस वन मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ दूसरी माइनस फोर है तो ब्रेन ने पिकअप करना है माइनस वन वाले का इमेज क्योंकि वो लेस ब्लड है ठीक है एनक अगर नहीं भी लगी तो वो माइनस फोर वाला वो इग्नोर कर देता है और अगर एनक लगा भी दें बाद में तो वो इग्नोर जो हो गया एक दफ़ा वो उसका सर्किट वो काट देता है ब्रेन सही तो, तो वो एक ही पे ही सारा फोकस वो सारा एक पे ही हो जाता है तो अल्लाह ताला ने दोनों आंखें दी हैं जिसका फंक्शन है थ्री डिवीजन आप अगर कभी वो ऐसे सिनेमा में गए होंगे जो वो आपको ग्लासेस देते हैं थ्री डी नज़र आती सो वो दे आर डिप्राइव ऑफ दैट और इसी तरह फोर्सेस में वहाँ से भी वो अनफिट हो जाते है या प्रोफेशनल ड्राइविंग से भी वो अनफिट हो जाते हैं और उसका सही टाइम है कि अगर हम दो से चार साल की उम्र में वो आइडेंटिफाई कर लें और सही नंबर की अनक लगा लें और फिर उसकी जो कमज़ोर है उसकी एक्सरसाइज करें उसका तरीका है कि जो गुड आई है फर्स्ट राइट आई इज़ बेटर आई तो उसको पैच लगा के बंद करके और दूसरी आंख से कोई ये कलर शलर और डॉट टू डॉट पेंटिंग आ, वीडियो गेम जो भी है उस पर यानी लोड डालना है फिर एक उसकी एक्सरसाइज तो प्रैक्टिस में आ जाए नज़र कमजोर है जिस पे हाँ वो फिर ग्रेजुअली वो राइज हो जाती है सही हो और वो फिर ठीक हो जाती है सर आ, अगला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सुबह के वक्त क्या धूप की रोशनी आँखों पर बुरा असर डाल सकती है जी जी मैं अर्ज़ करूँगा कि ये सुबह और शाम दोनों इनको हम कहते हैं लो एंगल्स कि सूरज जब यहाँ आ जाता है इस एंगल पे या तलु है तो फिर यहाँ गुरूब में इस एंगल पे आ जाता है तो दोनों में इसकी मैक्सिमम यूवी रेडिएशन निकल रही है तो इसी के लिए हम वो कहते हैं पंजाबी का एक शेर है कि अखां दी रखवाली रख, रख एनक पावें काली रख दूजे दिया मसाला छड अपना आप मिसाली रखें <laughs> तो वो जो लो एंगल्स हैं मैं रिक्वेस्ट हूँ ख़ासतौर पर ड्राइविंग के वक्त तो वो एनक भी काली लगाएं और ये एक ऐसा हैट जिसमें आगे एक वो छज्जा सा बना हुआ होता है मैं एक सर शेल्टर, शेल्टर आ जाए शेल्टर आ जाए ताकि वो जो ले जो स्ट्रेट लाइट की रेज हैं वो आपकी आंखों पे ना पड़े और गाड़ी में भी एक वो स्क्रीन सी होती है छोटी वाइजर जिस वो भी आगे लगा सकते हैं और जो लोग हेलमेट पहनते हैं उनमें हेलमेट में भी ये ऑप्शन होती है वो लगाने की तो ये बिल्कुल ये चीज़ें ज़रूरी हैं ख़ासतौर पर जब सूरज लो एंगल पर होता है और मोटरवे ड्राइविंग में बहुत ये चैलेंजिंग हो जाता है सर भी आप ड्राइविंग का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी अमराज हैं जिसमें देखा जाता है कि अक्सर का पेशेंट्स का ना ऑल ऑफ अ सडन विजन ब्लर हो जाता है सो so उन पेशेंट्स को क्या ड्राइविंग वाली साइड पे जाना चाहिए या फिर जब आप जाते हैं लाइसेंस बनवाने या रीन्यू करवाने तब बताना चाहिए कि मुझे ये इशू है लोग अक्सर इस चीज़ को अवॉइड कर जाते हैं निगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं जी हम ये बताएँगे तो खैर हम ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे इस पर ज़रा रोशनी डाली है जी बिल्कुल वो एक मुझे वाक़ याद आ गया मेरे एक दोस्त हैं खान साहब वो उधर से गुजरानला से आते थे तो वो उनकी बहनें उनके साथ थीं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब इन्हें चेक करें और ये आएँ गुजराला से इनको पता नहीं चल रहा ये पूछते थे ये क्या आ रहा है भाई ये सामने क्या चीज़ है इस तरह हमारे से पूछते ही आएँ और आए बड़ी हाई स्पीड पर तो वो वाकई आपकी बात सही है उनको सफेद मोहिया था फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप गुजराना वापस ना जाएँ आप ऑपरेशन आप कराएँ और फिर जाएँ और अलहमदिल्ला उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया और वो वॉज़ फ़ाइन तो इस तरह ये सारी चीज़ें एक ख़ास पर पचास पचपन साल की उम्र के बाद ये जो इस तरह के अमराज हैं शैर मोतिया काला मोतिया ये सब जाहिर होना शुरू हो जाते हैं तो बेहतर के रेगुलर जैसे मुहजब माशरों में हम कहते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ फोर्टी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो एवरी ईयर कम अज़ कम आप ऑप्टोमीट्रिस्ट जैसे एनको का नंबर चेक करते हैं उनके पास जाएँ जो कि अब पाकिस्तान में बड़े क्वालिफाइड हमारे शागिर्द मौजूद हैं वो चेक करेंगे या अगर आपको कोई डाउट है या वो आपको बताएं तो आप क्वालिफाइड सर्जन या आई स्पेशलिस्ट ऑफ्थलमोलोजिस्ट के पास जाएं, वो आपका मुकम्मल मुआना करेंगे इस तरह अगर काला मोतिया है आपकी फैमिली में भी अगर किसी को है तो भी जम्... फिर तो आपको जिम्मेदारी है कि हर छः महीने बाद चेक करें सही। इसी तरह शुगर का मरीज़ अब डायबिटीज़ में पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नंबर वन पर आ गया हुआ। तो डायबिटीज़ की आँखों पर बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है आँख के अंदर खून आ जाता है या बाज दफ़ा ऐसा होता है कि आँख के नर्व्स के ऊपर फालिज का अटैक हो जाता है तो वो दो आँख की मूवमेंट जो एक पैरल होती है वो नहीं होती और वो एक आँख डाइवर्ज हो जाती है या कन्वर्ज हो जाती है उसका नतीजा ये कि उसको दो दो नज़र आने लगता है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है अगर उस हालत में ड्राइविंग करेंगे तो रिस्क है एक्सीडेंट का तो अगेन मैं उनको इमीडिएटली तो ये कहता हूँ कि एक आँख को अगर अपनी एनक है कोई तो उसी के पीछे टेप हम लगा देते हैं कि फौरी तौर पे आपको चलने फिरने में सीढ़ियों से उतरने में खतरा गिर सकता है सही। तो वो फौरी तौर पे हम उन्हें कर देते हैं लेकिन ये मेरे ख्याल छुपानी नहीं चाहिए ऐसे होते क्योंकि रिस्क है एक मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा काला मोती में खास पर तो जो लेट होता है आप ज़रा ऐसे करके देखें उनकी एंड स्टेज पर यह विज़न रह जाती है बेचारों में तो बीच में से तो वो सिक्स बाई सिक्स होते हैं लेकिन, लेकिन ये जो ये नहीं है तो हमारी जो गाइडलाइंस हैं हमारा जो ड्राइविंग का एक्ट है 1965 का उसके मुताबिक भी विजुअल एक्यूटी भी होनी चाहिए सिक्स ट्वेल्व या उससे बेहतर और एक विजुअल फील्ड वन ट्वेंटी डिग्री का एक होना चाहिए से थे 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 काला होती होता है उनको सिर्फ सीधा नज़र आता है साइड का नहीं नजर आ रहा एंड स्टेज पे ऐसे होता है आ, सही से तो सही। वो बड़ा अहम है कि वो चेकअप कराएं और गाइडेंस लें सर ये ड्राइविंग से अगला सवाल है कि सर कम रोशनी में ड्राइविंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कम रोशनी में जब ड्राइविंग कर रहे हैं एक तो जो फिज़िकल फ्रेशनेस का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कम रोशनी है और अगर थकावट भी है तो वो साथ मिक्स हो जाएगी और उस वक्त रिस्क हो जाएगा एक्सीडेंट का और उस वक्त अगर आप ग्लासेस लगाते हैं तो ग्लासेस लगाएं और अगर वो उस वक्त सन ग्लासेस ना लगाएं क्योंकि वो रोशनी और कम, कम हो जाएगी तो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लगाएं एनक वाले और अपनी जो गवर्नमेंट ने या रोड डिपार्टमेंट ने एक स्पीड लिमिट रखी हुई है वो ज़रूरी नहीं है वो मैक्सिमम है फिर बेहतर है कि अगर कम है लाइट तो कम कर उससे कम लें सही और सर जैसे अभी आप ग्लासेस का जिक्र कर रहे थे तो अब आप मजबूरी भी कहा जाए कि ऑफिस में काम करते हैं हम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है ज़्यादा होना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है होता है ज़्यादा तो किस तरह से हम अपनी अपनी नज़र का ख्याल रख सकते हैं कि वो ख़राब ना हो और दूसरा एंटी क्लेयर ग्लासेस के वाले से बताएँ कि ये यूज़ करना क्या बेनिफिशल होगा बिल्कुल ये ऐसे होता है कि ये एक लेंस के ऊपर ना एक कोटिंग डाल देते हैं उसको कहते हैं एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग ठीक है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी जो स्ट्रे लाइट्स हैं वो उससे टकरा के वापस हो जाते इस तरह जो हमारी डिजिटल स्क्रीन से बहुत सारी रेज ऐसी निकलती हैं वो भी डैमेजिंग होती हैं वो भी ब्लॉक हो खास तौर पर मोबाइल्स के अंदर एक आप समझें कि वो ईजी आई या इस तरह का कोई एक ऐप होता है कि आप उसको एक्टिवेट कर दें तो वो स्क्रीन की भी लाइट कम हो जाती है। सही वो तो आई प्रोटेक्शन ऑन तो तो हमें किस तरह से हम खुद को बचा सकते हैं कि हम जिस तरह से मोबाइल और स्क्रीन के इस्तेमाल से नज़र कमजोर हो रही है इससे बचाओ सर कैसे मुमकिन है खुद को सेफ कैसे कर सकते हैं ये क्योंकि मेरे से जब आते हैं मेरे पास क्लिनिक में लोग चेक कराने तो माँ बाप के साथ बच्चे लड़ाई शुरू हो जाती है वो कहते नहीं जी एनक बड़ी यूज़ कर दे और, और दिस इज़ ऑल्सो रिवर्स नाउ कि जब पेर बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं चेक कराने सत्तर अस्सी साल के जो हैं और वो कहते हैं लो जी अब्बा जी तो एनक छड़ दे मोबाइल हर वेले मोबाइल मैं फिर एक कहता हूँ एक बात ये थोड़ी सी आँख आई के शोबे से निकल के बाहर कि हमारी आपस में कम्युनिकेशन बड़ी कम होगी मैं बार दफ़ा जाता हूँ सर्जन ऑपरेशन थिएटर में बैठे हुए हैं चार पांच सर्जन बैठे हुए हैं वो वे वेट कर रहे हैं आपस में बात नहीं कर रहे हर एक ने अपना मोबाइल ऑन किया सब मोबाइल तो ये एक शेर है पुराना एक वो कहते हैं कि हद है सहराए ज़ात फैलेगी खामोशी उसके साथ फैलेगी शहर के बासियों की तन्हाई शहर के साथ साथ फैलेगी तो जितनी जितनी आबादी हमारी बढ़ती जा रही है शहर लेकिन लोग आपस में बातचीत ढूंढता गया गया है।, तो आ, आ है वो जैसे मैंने भी कहा ना कि मूर्ख तलाय दर्द कोई रोती है तो रोना शुरू कर देती है आंखों से पानी आने लगता है या आंख लाल हो जाती है या नजर आने में धुंधलाहट पैदा हो जाती है एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात कहूँगा कि अगर एक आँख में नज़र का मसला हो तो बाद दफ़ा दूसरी आँख कॉम्पनसेट कर देती पता ही नहीं चलता तो इसलिए अगर किसी को आइज़ का कोई प्रॉब्लम है या डिसऑर्डर है तो वो टीवी की स्क्रीन एक आंख से और दूसरी आंख ऐसे बंद करके अलग अलग चेक करें ताकि अगर डायबिटिक है कोई अगर खुदा हस्ंद एक आंख में प्रॉब्लम हुआ तो बड़ी देर तक उसे पता ही नहीं चलेगा वो भी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं थैंक यू सो मच सर आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया नाजी जिस तरह के सर ने बहुत डिटेल में आपको बताया कि एक जो आपकी बिनाई कुदरत की एक ऐसी नेमत है कि जिस जो आपके साथ अगर चलती रहे मुकम्मल तौर पे तो आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं कुदरत की जो सारे खूबसूरती हैं नज़ारे हैं इनको इंजॉय कर सकते हैं सो इस हवाले से इसको इसको महफूज रखना इसके लिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी है अपना बहुत सा ख्याल रखें अपनी आँखों का ख़्याल रखें कोई भी मसला मसाइल अगर आपको दरपेश होता है तो आप ख़ुद से टोट के नहीं आज़माएँ डॉक्टर के पास जाएं, उनकी फील्ड है उनको उनके पास जाएं, उनसे कंस, कंसल्टेशन, कंसल्टेशन लें जो भी आपको मेडिसिन दी जाती है उस, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें इसी बात पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक आप में रहने हमारे साथ वेलकम बैक नाजीन गुड मॉर्निंग सिटी में एक दफा फिर आपको कुछ आमीद कहते हैं और हम आ चुके हैं अपने अजीबो गरीब दिलचस्पो अजीब सेगमेंट के अंदर जहां हम दुनिया भर से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव मालूम को दिलचस्प कुछ अजीब मालूम लेकर आते हैं शेयर करते हैं जिससे हमारे नाजरीन को फायदा हासिल हो सके होते हैं मजा आया, आया। तो आज मैं अपनी पहली खबर अपने नाजरीन हाजरीन से ये शेयर करूंगा और तहरा मैं आपसे आज सवाल नहीं करूंगा क्योंकि आज आपसे सवाल करने वाली खबर नहीं है आज डायरेक्ट खबर शेयर करने वाली खबर है, तो कर... करना करना है और इसके साथ, साथ मैं आपको ये चलूं कि एक ऐसा बहुत सारे चोर हजरात होते हैं ये जो चाले चलने वाले लोग होते हैं ये बड़ी चालाकियों से चाले चलते हैं चोर अपने आप को बचाने के लिए या किसी जुर्माने से बचाने के लिए किसी बड़ी आफत से बहुत जहन लगाते हैं और इनके जहन की कभी कभी मुझे देनी पड़ेगी कि ऐसे-ऐसे जर्मानों से बचने के लिए खुद की हिफाजत कर लेते हैं कि वाह क्या ही बात है क्योंकि अगर एक, इस लोगों को कहां से कहां और बड़ा, इनको भी फायदा पहुंचे, और इनको भी फायदा पहुंचे। तो खबर यह है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ने अपनी पोर्शे कार जो कि ठीक ठाक महंगी कार मानी समझी जाती है ये स्पोर्ट्स कार है इसका रंग ही तब्दील कर लिया और रंग इसकी वजह मैं बताना चल, बताता चलू रंग तब्दील करने की वजह यह थी कि ओके कोई नौजवान फ्रांसीसी शहरी होगा या कोई नौजवान नगर नहीं भी होगा तो दिल से जवान कोई होगा तो उसने अपनी स्पोर्ट्स कार निकाली और स्पोर्ट्स कार को उसने फुल स्पीड में चलाया अच्छा, तेज रफ्तार तेज रफ्तारी, रफ्तारी की वजह फुल स्पीड में चलाया और स्पीड में चलाने की वजह से पुलिस ने उसको रोका क्योंकि डेफिनेटली बाहर के मुल्कों में कवानीन तो बहुत सख्त हैं स्पीड की एक लिमिट होती है स्पीड अगर आप उसको लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको जुर्माना होता है तो जब पुलिस ने उसकी गाड़ी को रोका तो वो रुका नहीं मौके पर उसने गाड़ी भगा दी। और उसने क्योंकि अगर वहां आप ओवर स्पीडिंग करें या इस तरह का कोई भी ट्रैफिक की वॉलेशन करें तो वो जुर्माने बड़े ज्यादा है बिल्कुल वहां पे तो जुर्माने से बचने के लिए उस जनाब ने अपनी गाड़ी का रंग ही बदल लिया अच्छा अपनी स्पोर्ट्स गाड़ी का उसने रंग ही तब्दील कर लिया कि मैं अब पुलिस को चकमा दे बैठ दे चुका हूं अपनी सारा जहन लगा के तो अब मुझे जुर्माना नहीं हो सकता लेकिन फिर पुलिस भी पुलिस है पुलिस ने बड़ी ही तरीके से तफ्तीश को जारी पुलिस ने भी फिर बड़ी चालाकी के साथ उसको बिल्कुल बड़े तरीके से और तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के क्योंकि कैमरेज वगैरह वहां लगे होते हैं देखने के लिए वो तमाम एविडेंस कलेक्ट करके उस जनाब को गिरफ्तार कर लिया और बताया कि अगर आप चोर हैं और आप बचते हैं जुर्मानों से तो हम भी पुलिस हैं तो ये ये वैसे एक... अच्छा हुआ एक सबक आमोज बात भी है कि अगर तो आप इस तरह से कानून को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं आप जैसे पोशे का जिक्र किया तो फिर अच्छा भला वो शख्स होगा मेरा नहीं खाली इस किस्म की हरकतें करने की आपको ज़रूरत है सो एहतियात करें ना सिर्फ अपने लिए जब आप रोड पर इस तरह से ट्रैवल करते हैं और इस तरह के वॉयेशन करते हैं तो आप बहुत से ऐसे मासूम लोग जो कि किसी भी मेरा ख्याल उनका तो कसूर को ही कोई नहीं होता उस उनको भी कहीं ना कहीं आप उनका नुकसान का सबब बन सकते हैं कोई माली नुकसान हो सकता है जानी नुकसान हो सकता है सो एहतियात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो इसी बात पर चलेंगे अपनी अगली दूसरी जो खबर हमारे पास बड़ा और वो जी बड़ी दिलचस्प खबर लिहाज से कैनेडन शहरी जिसने अप्लाई किया जैसे आपको पता है कि वहां पे पिछले दिनों चल रहे थे इलेक्शन आम अच्छा, चल रहे थे सो तो चौरासी उम्मीदवार थे और उन्होंने भी वो भी खड़े हुए इलेक्शन पे और मजे की बात यह कि उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया जो कि अब तक कभी भी नहीं बना रिकॉर्ड ये था कि जब वोट निकले काउंटिंग हुई सो उनके नाम कोई वोट ना आया मतलब एक वोट तो डलता है यार वो अपने लिए खुद ही वोट डाल लेते हैं लेकिन अपने लिए खुद भी वोट ना डाल सके क्यों उसकी वजह उसकी वजह ये थी कि खुद भी उनका जो सीएनआईसी था यानी सी जहाँ पे उन्होंने वोट डालना था वो भी एरिया वो नहीं था अच्छा वो मतलब के के खड़े उस, हुए थे। उस इलाके के वो रहने वाले नहीं होंगे वो वो रहने वाले नहीं थे सो से खड़े हुए वहाँ पे कोई भी वोट नहीं मिला मतलब खुद भी वोट डाल सके डाल सके बिल्कुल ये तो मैंने पहला वाक्य सुना कि हिस्ट्री में ऐसा एक इंसान को कोई भी वोट नहीं मिला अक्सर तो ऐसा होता है कि बंदा खुद तो अपने आपको डालते मिल जाते हैं ना घर वालों के चलो मिल जाते हैं ये तारीख खत्म हो गई कि उनको कोई भी वोट नहीं मिला और बड़े सोशल मीडिया पे बड़ा इस इस हवाले से मजाक चल रहा है सो so, लोग एंजॉय हैं इस खबर को तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करें ताकि आप लोग भी इसको इंजॉय करें तो ये था जी हमारा आज का शो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मजा आया होगा बहुत इंफॉर्मेशन वाली बातें आपको सुनने को मिली होंगी आप में कॉमेंट करना नहीं भूलना हमें बताना नहीं भूलना कि आप क्या देखना चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक जिस हवाले से आप चाहते हैं कि इस पर बात की जाए तो हम डेफिनेटली उस पर जरूर बात करेंगे हम आपने कहा कॉमेंट करना है हमारा ट्विटर का अकाउंट है पीएससीए सेफ सिटीज और हमारा फेसबुक का अकाउंट उट है पंजाब सेफ सिटीज अब इजाजत दीजिए मुझे और जुबैर को कल किसी नए शो के साथ इंटरेस्टिंग बातों के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ने हाफिज़